तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि अगले साल जनवरी 2023 में रॉयल रंबल जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो रोमन रेंज को ही चैलेंज करेगा, क्योंकि WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों रोमन के पास ही है। इसलिए नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मैन रॉयल रंबल जीतने वाला सीधा सीधा रोमन रेंज का अपोनेंट बन जाएगा रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल जीतकर द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, यानी कि रेसलमेनिया में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस साल एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में WWE ने फैंस को बहुत ज्यादा खुश कर दिया, क्योंकि ब्रे वाइट जो कि WWE से निकाले गए थे वो रिटर्न आ गए। लेकिन ब्रे वाइट ने रिटर्न आने के बाद से अभी तक सिर्फ LA नाइट के साथ उनकी दुश्मनी स्टार्ट की है, और ब्रे वाइट जो उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज से हारे थे, ब्रे ने रोमन का ना तो अभी तक नाम लिया है और ना ही रोमन को चैलेंज किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रे वाइट और रोमन रेंज का मैच आगे नहीं होगा, और जिस दिन ब्रे वाइट रिटर्न आए थे उसी दिन फैंस को भी समझ में आ गया था कि ब्रे वाइट और रोमन रेंज का एक और बार मैच होना लगभग कंफर्म है। इसलिए 30 मेंस रॉ रंबल ब्रे वाइट के कैरेक्टर फिंड जीत सकते हैं, और फिर रेसलमेनिया 39 में रोमन और फिंड का मैच फैंस को देखने मिल सकता है। वैसे अगर फिंड और रोमन का दोबारा मैच हुआ तो आप लोग किसे सपोर्ट करोगे, कमेंट करें, सबसे शेयर करें। तो नेक्स्ट सुपरस्टार जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो अभी WWE की सुपरस्टार नहीं बल्कि AEW की सुपरस्टार है, और वो और कोई नहीं बल्कि CM Punk है। पर मैं यहाँ पर इसलिए CM Punk का नाम ले रहा हूँ क्योंकि जैसा आपको याद ही होगा कि CM Punk का AEW में बैकस्टेज में कोई इंसिडेंट हो गया था, और उसके बाद से CM Punk AEW में नजर नहीं आ रहे, और यहाँ तक कि जो AEW का गेम आने वाला है AEW Fight Forever, उसके कवर सुपरस्टार पहले CM Punk थे। लेकिन इस हादसे के बाद CM Punk को AEW ने कवर स्टार से भी हटा दिया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि AEW CM Punk को निकाल दे, और उसके बाद CM Punk रॉयल रंबल 2023 में उनकी वापसी कर सकते हैं WWE में, क्योंकि CM Punk को मेन प्रॉब्लम मिस्टर मैकमैन से थी, और अब मिस्टर मैकमैन WWE में नहीं है, तो इसलिए CM Punk भी रिटर्न आ सकते हैं। और वो रॉयल रंबल अगर जीतते हैं तो रोमन रेंस वर्सेस CM Punk रेसलमेनिया 39 का बहुत बड़ा मैच होगा। वैसे क्या आप लोग CM Punk का रिटर्न WWE में फिर से देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। तो द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स ने WWE में रिटर्न आने का उनके फैंस को एक जरूरी कारण बताया था। तो क्योंकि कॉडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स कभी WWE चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, इसलिए कॉडी रोड्स ने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन WWE में वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। और अब भले ही कॉडी रोड्स के पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कॉडी अपने पापा का ये सपना पूरा करना चाहते हैं, और इसी रीजन की वजह से कॉडी रोड्स रिटर्न आए थे WWE में। और अभी भले ही कॉडी रोड्स इंजर्ड हैं, लेकिन ये रूमर है कि साल 2023 के रॉयल रंबल में कॉडी रोड्स रिटर्न आएंगे, और वो रॉयल रंबल जीतने के बाद रोमन को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 39 में। तो जब से पिछले साल ये अनाउंस हुआ था कि रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड में होने वाला है, तभी से ये रूमर सामने आने लगे थे कि रेसलमेनिया 39 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, और अगर ये मैच WWE को करवाना है तो उन्हें रॉक को रिटर्न बुलाना होगा रॉयल रंबल 2023 में। और अगर द रॉक 30 मैन रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो उनका सीधा सीधा मैच फिक्स हो जाएगा रोमन रेंस के साथ। वैसे अगर रेसलमेनिया 39 में फाइनली द रॉक वर्सेस रोमन रेंस हुआ तो ये बहुत ही बड़ा मैच होगा, और फैंस का ये ड्रीम मैच फाइनली पूरा भी हो जाएगा। वैसे अगर रॉक और रोमन का मैच हुआ तो आप लोग किसे सपोर्ट करोगे, कमेंट करके बताएं, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।